वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुंदू की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ कुंदू लंबे लंबे शेप में काट के रख लिए और साथ में लहसुन और मिर्ची, एक मिर्ची भी काट के रखी है। लहसुन की कलियाँ 3-4 मैंने ली, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, गैस की फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे हम। और फिर मिर्ची, सबसे पहले मैंने मिर्ची डाली है और उसके साथ ही मैंने लहसुन भी डाल दिया। इन दोनों को आप एक साथ सौटे कर लेंगे। सौटे करने के बाद इसमें हम कुंदू डाल देंगे। कुंदू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। और मिक्स कर लेंगे। यहाँ 1 चम्मच हल्दी डाले, हल्दी डाला मैंने, और 1 से 1.5 चम्मच किचन किंग मसाला डाल दिया है मैंने। मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसको लो मीडियम फ्लेम पे ढककर पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक। और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि कुंदू अच्छे से पक गई है या नहीं। और हमारी कुंदू यहाँ अच्छे से पक गई है, जो कि पराठे या रोटी के साथ खाने के लिए रेडी है। तो आप इसे बनाकर एंजॉय करें। और आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।